और ऐसी आपको ले चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी आशीष चौहान वहां पर मौजूद हैं। पतंगबाजी का कार्यक्रम चल रहा है, आइए आपको दिखा दें। आशीष, किस तरीके से यहां पर मनाया जा रहा है संक्रांति का पर्व, पतंगबाजी की क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, पतंगबाजी अभी थोड़ी देर के लिए थम गई है और आतिशबाजी का दौर है वो अब शुरू हो चुका है। देखिए, आसमान पूरा जो है आतिशबाजी से अटा हुआ है और विशिंग लैंप जो है वो यहाँ पर आसमान में देख सकते हैं। अद्भुत नजारा है जयपुर शहर का और खास बात यह है कि पूरे परकोटे में इसी तरह का नजारा यहाँ पर देखा जाता है और सब अपने अपने घरों से यहाँ पर विशिंग लैंप भी यहाँ पर जलाते हुए दिखाई देंगे। कुछ लोगों की यहाँ पर प्रतिक्रिया जानते हैं कि आखिरकार इस नजारे को देखकर कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ये नजारा देखकर? आज का तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि किसी के बहुत अच्छा फंक्शन हुआ हो और दीपावली से भी ज्यादा बहुत अच्छा है आज का माहौल। क्या दिवाली से ज्यादा देखा जा रहा है आज का माहौल? हाँ, आज का माहौल दिवाली से भी ज्यादा देखा, दिवाली से भी ज्यादा अच्छा माहौल है। हम लोग आउटसाइड से आके यहाँ सिटी में एंजॉय करते हैं, जवाहर नगर रहते हैं। मैं कविता भंसाली। ऐसा क्रेज सिर्फ सिटी में दिखाई देता है? हाँ, सिर्फ सिटी में दिखाई देता है और दिवाली से भी बहुत अच्छा माहौल होता है और सब लोग बाहर से आउट से। और सिटी में भी केवल परकोटे में ही ऐसा नजारा, परकोटे में ही ऐसा माहौल होता है हमेशा के, हमेशा हमेशा ऐसा, हमेशा ऐसा ही माहौल। एक चीज ये बताइए, दिन भर पतंगबाजी हुई, अभी भी क्या पतंगबाजी बाकी है क्या रात के लिए? पतंगबाजी तो बाकी रहती है, लोगों का मन कभी नहीं भरता पतंगबाजी से, बहुत अच्छा। देखिए, विशिंग लैंप्स आप देख सकते हैं कि तमाम जो तस्वीरें हैं बेहद खास नजारे हैं। विशिंग लैंप्स आप देख सकते हैं, पूरा आसमान जो है वो विशिंग लैंप्स और आतिशबाजी से दिखता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा और तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने कैमरों में यहाँ पर इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। क्या लगता है किस तरह इस तरह का नजारा देखने के बाद क्या कहेंगे आप? ये मेरी समझ में तो जयपुर की पहचान है। क्या कहेंगे नजारा देखकर आप? इतना शानदार नजारा, बहुत सुंदर नजारा है, ये हर साल देखते हैं, हम तो रहते भी यहीं पे हैं, शादियों के यहीं से आए थे तो। किसी दिवाली से कम नहीं है आज? हाँ बिल्कुल, आसमान है ना सितारों की जैसे जगमगा रहा है, बिल्कुल जैसे तारे जमीन पे आ गए और आसमान। क्या क्या सच में तारे जमीन पे आ गए आज? हाँ, वो हमेशा हमेशा आता है संक्रांति पर। अच्छा, आप परकोटे से हो बाहर से? यहाँ से ही था। कितने महीने तक चलता है फेस्टिवल? काइट फेस्टिवल एक डेढ़ महीने तक, आराम से। और आज का नजारे का इंतजार रहता है आपको? बहुत ज्यादा, बहुत खूबसूरत होगा। अंकल आप, अंकल आपकी फैमिली में बहुत से लोग बाहर से हैं? हाँ बहुत है, कोई नोएडा से है, कोई बॉम्बे से आया है, कोई वियना से आया है, जर्मनी से आए हैं, कई जगह से लोग, और हर साल आते हैं फेस्टिवल मनाने यहाँ पर। जयपुर की यही खास बात है कि फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए लोग बाहर से आते हैं और खास कर मकर संक्रांति का जो ये नजारे हैं और ये फेस्टिवल है इसको एंजॉय करने के लिए खास जयपुर में ही आते हैं। तो तमाम लोग जो है इसी नजारे को अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। विशिंग लैंप्स का जो दौर है वो लगातार जारी है और पूरा आसमान जो है वो इन्हीं विशिंग लैंप्स पे अटा हुआ हमारे को दिखाई दे रहा है। बेहद खास तस्वीरें हैं और जो दर्शक परकोटे में नहीं पहुंच पाए वो सीधा जी राजस्थान के माध्यम से ये लाइव तस्वीरें देखकर देख सकते हैं। तो एंजॉयमेंट है वो यहाँ पर लगातार जारी है और विशिंग लैंप्स यहाँ पर देख सकते। आप क्या कहेंगे, विशिंग लैंप उड़ा रहे हो आप? सॉरी, विशिंग लैंप्स उड़ा रहे हो? हाँ बिल्कुल। कितने हो गए अब तक? चार हो गए, जिसमें से तीन सक्सेसफुल और एक फ्लॉप। और ये नजारे देखकर क्या कहेंगे आप? कभी जन्नत को जमीन पे उतार के देखा है तो वो ऐसी दिखती है। पतंगबाजी थम गई अभी बाकी? पतंगबाजी थम, इस नजारे के आगे पतंगबाजी क्या करेगी? बस देखो आप तो चारों तरफ जन्नत ही। मतलब दिन भर की पतंगबाजी के आगे, दिन भर की पतंगबाजी फीकी है इसके आगे? नहीं, उसका अपना एक मजा है, इसका अपना एक अलग मजा है। शाम ढलने का इसका इंतजार किया जाता है क्योंकि पटाखे और लालटेन दिवाली दूसरी बनती है जहाँ आकाश में दिए जल रहे होते हैं। मकर संक्रांति दिवाली एक साथ? हाँ, वो दोनों एक साथ बराबर, दोनों बराबर। हमेशा ऐसा ही होता है, पहली बार ही है? नहीं, ये हर साल ऐसे ही रहता है, बस धीरे धीरे बढ़ता है, लोगों को क्रेज बढ़ता जा रहा है बस धीरे धीरे।
लगातार उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों में काफी क्रेज रहता है। तो तमाम जो लोग हैं विशिंग लैंप्स यहाँ पर उड़ाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और विशिंग लैंप्स में यहाँ पर व्यस्त है। आप क्या कहेंगे इस नजारे को देखकर? आप दूर से आए हो, नोएडा से आए हो, क्या कहेंगे? ऐसा नजारा ऑल ओवर इंडिया से जयपुर में देखने को मिलता है, वो भी मकर संक्रांति के दिन। दिवाली पे भी इतनी पटाखे नहीं चलते, इतनी आतिशबाजी नहीं होती है। आज के दिन सबसे ज्यादा आतिशबाजी होती है। क्या विशिंग लैंप उड़ नहीं रहा क्या? आपका सक्सेस नहीं हुआ क्या? सारे सक्सेस है अभी तक, एक भी ऐसा नहीं है जो खराब हुआ। सारे विशिंग लैंप सबसे सारे उड़ा है, ये सिक्स्थ है। ये नजारा देखकर क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत नजारा? बस हर साल इसी नजारे का इंतजार करते हैं और आज वो दिन आ गया। शाम के लिए? हाँ, हर शाम। पतंगे कितनी काटी, कितनी कटवाई? अब आप देख के बस पहचान सकते हैं कितनी पतंगे उड़ाई है, काटी है और लड़ी है। कुछ काउंटिंग की आपने? काउंटिंग तो पतंगे कोई काउंटिंग नहीं है, पतंग और लूटी कितनी? लूटने की भी कोई काउंटिंग नहीं है आज के दिन। क्या हुआ, विशिंग लैंप उड़ नहीं रहा क्या? नहीं नहीं उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा अभी, बस अभी। हाँ, उड़ने ही वाला है बस। सक्सेस हो गए? सक्सेस हो गया, फेलियर रेट बहुत कम है आज, होगा अभी बिल्कुल। पतंग कैसे काटते कटवाते थोड़ा एक बार साउंड हो जाए यहाँ पर। पतंग काटते कटवाने का दोनों प्रोसेस होता है, डील देके या खींच लेके। कैसे क्या बोलते हैं पतंग काटते पतंग काटते बोलते वो काटा बिल्कुल। लोग जो है विशिंग लैंप्स यहाँ पर लगातार उड़ाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और एंजॉयमेंट यहाँ पर लगातार जारी है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप बताइए, विशिंग लैंप आप बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, विशिंग लैंप आप उड़ा रहे हो लेकिन अब तक सक्सेस हो नहीं रहा। अब हो जाएगा सक्सेस, हो जाएगा, उम्मीद है क्या? आई एम ट्राइंग, वी विल सक्सीड एंड वी आर लविंग इट। ये नजारा देखकर क्या कहेंगे? बेहद खूबसूरत ऐसा लग रहा है, बिल्कुल जन्नत में आ गए हैं आप और बिल्कुल तारे नीचे आ गए हो। बिल्कुल पूरा आसमान जो है आज जयपुर का आसमान किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि पूरे आसमान में विशिंग लैंप्स, आतिशबाजी और ये ऐसा नजारा दिवाली के वक्त भी नहीं दिखता, मकर संक्रांति पर कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। क्या कहेंगे भैया आप इस खूबसूरत नजारे के बाद में? इससे बढ़िया कोई नजारा नहीं हो सकता लाइफ में। एक बहुत अच्छा मूवमेंट होता है लाइफ में, साल भर में एक बार ही आता है और शाम तो इसकी एक नंबर होती है। साल भर इंतजार करते हो? बिल्कुल भैया, बहुत इंतजार करते हैं इस शाम का। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, पतंगबाजी से ज्यादा इसका इंतजार रहता है या पतंगबाजी का इंतजार? इस मूवमेंट का बहुत अच्छा इंतजार रहता है शाम का। कैमरे में कैद हुई तस्वीर? नहीं नहीं की। आप करोगे? बिल्कुल, आपकी जैसी इच्छा हो। बिल्कुल, देखिए लोग अपने अपने कैमरे में जो है तस्वीरें ले रहे हैं और अपने सोशल अकाउंट्स है उन पर भी ये जो फोटोज है वो शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंकल, साल भर आपको जो इस बात का इंतजार रहता है कि कब मकर संक्रांति आए और कब इस तरह का नजारा देख रहा हूँ, तो आपका कैमरा कहाँ है अभी तक? हमारा कैमरा आपके पास ही है, हम तो आपके साथ है, अब आप हमारे साथ हो। आपका कैमरा दिखाई नहीं दे रहा कहीं अंकल? कौन सा हमारा कैमरे की जरूरत? मोबाइल, आपका मोबाइल, उससे रिकॉर्ड नहीं करोगे आप? नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं करते, केवल देखते हैं। हाँ, खाली देखने से जो आनंद है वो रिकॉर्डिंग में आनंद थोड़ी है, फोन में आनंद नहीं है ना, बस टीवी में आता है, टीवी में देख लेते हैं। सबसे बढ़िया कार्यक्रम है। आंटी आप क्या कहेंगे? आप मोबाइल वोबाइल कहाँ गया आपका? मोबाइल की जरूरत क्या, सामने ही है, लाइव देखो ना और ऊपर देखो, पूरा ऊपर देख रहे लाइव। क्या क्या कहोगे बेटा? उधर लालटेन जल रही है, अगर आप उसकी कवरिंग। बिल्कुल देखिए, लालटेन यहाँ पर जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ सक्सेस हो रहे हैं, कुछ अनसक्सेस हो रहे हैं। क्या सक्सेस हुआ भैया? ये मैं तो सारे जा रहे हैं। सारे ये वाला अटक गया? नहीं नहीं, तो भेजा ही नहीं अभी, तो भेजा नहीं अभी तक। अब जाएगा अभी, देखो कैसे जाता है। एक बार नहीं जाएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप बताइए क्या कहेंगे, ऐसा नजारा दिख रहा है भैया? बहुत ही प्यारा नजारा हो रहा है भैया, मजा ही आ गया। कोटे से ही हो आप? यहीं से हो आप? हाँ भैया, बिल्कुल जयपुर के ही है हम। हर बार ऐसा ही नजारा दिखता है? यस भैया, हर साल ऐसा ही रहता है नजारा भैया। क्या कोई नीचे है या सभी लोग छत पे हैं? नहीं, कुछ लोग नीचे भी हैं, कोई चाय बनाने जाता है, कोई खाना बनाने जाता है। पर आपका मोबाइल कहाँ है? इतना अच्छा नजारा है, आप मोबाइल में कैद किया? हो रहा ना, मजा कैद किया आपने मोबाइल में? हाँ, सब कैद किया है मोबाइल में। हाँ, आप भूले मोबाइल में कैद करना है तस्वीर? नहीं, ये कैसे भूल सकते हैं मोबाइल में कैद? बताइए, ये सोशल अकाउंट पे आपने डाला ये सब तस्वीरें? बिल्कुल भैया, सारा सब अपडेट कर। लास्ट अपडेट कब हुआ आपका?
अभी 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। अब लास्ट अपडेट कब होगा? 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। फोटोज वीडियो क्या? फोटोज इतनी पूरी दिन की फोटो, सब कुछ स्नैप, सेल्फी, सेल्फी हुई सब सब सारे सेल्फी। अच्छा चलिए, एक बार पतंग, पतंगबाजी तो दिन भर हो चुकी है, थोड़ा शोर शराबा हो जाए एक बार फिर से। बिल्कुल, सबको बुला के बोलिए। पास वाली छत पर आवाज नहीं गई, थोड़ा तेज और एक बार आतिशबाजी के लिए भी हो जाए जोर से। वो काटे, क्राउड देख सकते हैं कितना क्राउड है छतों पर, और सभी लोग इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे नजारे को देखकर, बच्चों को आप दिखा रहे हैं? वाह, फीलिंग आती है बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या है, अलग ही हर तरफ दीपक ही दीपक दिखते हैं और बहुत मजा आता है। दिवाली जैसा माहौल, उससे भी भर गए। आप कुछ कहेंगे, दिवाली जैसा माहौल दिख रहा है? बिल्कुल, एकदम दिवाली से भी ज्यादा खूबसूरत और बहुत हैपनिंग। इतना दिवाली पे भी नहीं था, आज हो रहा है। इस मोमेंट के लिए साल भर इंतजार रहता है आपको? सभी को रहता है, सिर्फ मुझे ही नहीं, सारे ही इस मोमेंट का इंतजार करते हैं। सभी जिनके ऑफिस भी होते हैं वो भी छुट्टियां करते हैं इस दिन, तो काफी पतंगबाजी का इंतजार रहता है या इस मोमेंट का इंतजार रहता है? पतंगबाजी का बहुत इंतजार रहता है। पतंगबाजी का इंतजार रहता है या इस मूवमेंट का ज्यादा इंतजार है? नहीं, पतंगबाजी का, इस मूवमेंट तो ऐसे दिवाली पे हम एंजॉय कर लेते हैं। कैमराज आपके मोबाइल वगैरह रिकॉर्ड किया है या? नहीं नहीं, कैमरे पे रिकॉर्ड किया है, मोबाइल पे बिल्कुल। ये सीन तो अनफॉरगेटेबल रहता है, साल में एक ही बार दिखाई देता है और वो भी यही सिटी में। तो आपके सोशल अकाउंट अपडेट हो गए इन फोटो से या अभी बाकी है? थोड़े से बाकी है और थोड़े से हो गए हैं। आपका? नहीं, मैंने कोई अपडेट नहीं डाला है अभी तक, अभी इसी को एंजॉय कर रहे हैं केवल, बाद में वक्त मिलेगा जब। सो हाँ, लेट नाइट। बिल्कुल, लगातार जो आतिशबाजी है वो थोड़ी, हालांकि थोड़ी कम हो गई, लेकिन विशिंग लैंप्स आप देख सकते हैं कि बेहद खास तस्वीर है और विशिंग लैंप्स यहाँ पर जलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और पूरा आसमान इसी तरह से एंजॉय कर रहा है। आप क्या कहेंगे, आपका विशिंग लैंप जल नहीं रहा है? नहीं, जला रहा हूँ, सक्सेस जला चुका मैं अभी तक। सक्सेस हो गए? हाँ, 3000 के सक्सेस हो चुका हूँ, बहुत अच्छी तरह। कैसा लग रहा है बेटा आपको? बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीचे बोलो, बहुत बढ़िया। क्या थक पक तो नहीं गए आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम स्टार्ट हुआ है अभी तो। कल भी ऐसा ही रहेगा क्या माहौल? और क्या, बिल्कुल, बहुत थोड़ा ज्यादा नीचे देखेंगे। तीन दिन कुछ ऐसा बिल्कुल। आशीष, हम यहाँ देख पा रहे हैं विशिंग लैंप लोग यहाँ उड़ा रहे हैं, पतंगबाजी भी हो रही है, आतिशबाजी भी हो रही है। बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा ये पूरा कार्यक्रम। तो आपको हमने लाइव तस्वीरें दिखाई, जयपुर से हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, किस तरीके से लोग आज